हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल लकी शॉट। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले रियलमी C30 के बारे में, जो कि रियलमी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो कि रियलमी का आज तक का सबसे सस्ता फ़ोन रहा है। इसमें फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें आपको दो प्रकार की इसमें आपको इसकी प्राइस देखने को मिल रही है। एक तो काफ़ी सस्ती आपको देखने को मिल जा रही है और एक अधिक देखने को मिल जा रही है। लोगों को ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न हो कि आखिर इतना सस्ता सेम प्रोडक्ट आपको क्यों दिया जा रहा है, और एक जो सेम मॉडल है और सेम उसकी सब कुछ है प्लस वो महंगा दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपने एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फ्लिपकार्ट ओपन किया और यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे रियलमी C30 की प्राइस देख सकते हैं 6,999, बट वहीं पे नीचे देख सकते हैं कि रियलमी C30 और इसकी प्राइस देख सकते हैं कि 5,749 रुपये। ठीक, और दोनों में अंतर देखेंगे तो लगभग आपको 1,500 रुपये का यहाँ पे आपको अंतर देखने को मिल जाता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर दोनों सेम फ़ोन है, दोनों में सेम फैसिलिटी आपको दी जा रही है, दोनों में सेम रैम है, प्रोसेसर भी सेम है, बैटरी भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट आखिर इसकी प्राइस इतनी ड्रॉप और हाई क्यों आपको नज़र आ रही है। तो सिंपली फ्रेंड्स, समय आपको यही बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है किस प्रकार की गलती कर दिए होंगे, हो सकता है आपके भी मन में ऐसे ही ख्याल आ रहा होगा कि जैसे सस्ता देखा आपने कि यहाँ पर यार ये तो महंगा दे रहा है, सेम प्रोडक्ट है, रैम और इंटरनल दोनों सेम है, बट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सस्ता मिला तुरंत आपने इसको ऑर्डर कर दिया। लेकिन भाई साहब, इस प्रकार की आप गलती बिल्कुल भी ना करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप छोटे से यहाँ पे इसके कॉर्नर में यहाँ पे एक टैग देख सकते हैं, एयरटेल का यहाँ पे टैग लगा है। चलिए हम इसको जूम कर लेते हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन को यहाँ पे देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं कि 5,749 रुपये आपको दिख रही है, और यहाँ पे कोने में आपको टैग दिख रहा है एयरटेल एक्सक्लूसिव, यानी कि भाई साहब इसमें सिर्फ आपका एयरटेल ही सिम वर्क करने वाला, इसीलिए ये सस्ता दिया जा रहा है। यहाँ पे आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि चलिए मैं फ़ोन ले लेता हूँ और इसको यूज़ करते टाइम कोई भी सिम यूज़ कर लूँगा, बट यहाँ पे भाई साहब कोई अनदर सिम यूज़ करते हैं तो ये फ़ोन आपका खुलेगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते लोकेट विथ एयरटेल प्रीपेड, मतलब ये एयरटेल सिम के बिना ओपन ही नहीं होगा, ओपन होगा बट इसमें कोई भी फंक्शन वर्क नहीं करेगा, इसलिए इसमें आपको एयरटेल के द्वारा इसमें लोक लगा के दिया गया है, इसीलिए इसकी प्राइसेस इतनी कम दी गई है। बट यहाँ पे आपको एक फ़ायदा भी है फ़ोन लेने का कि आपको 199 रुपये की रिचार्ज में आपको साल भर यानी 15 महीने तक का आपको इसमें रिचार्ज दिया जाता है फ्री का। सिर्फ 199 रुपये आप इसमें रिचार्ज कीजिए और यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 महीने का आपको इसमें रिचार्ज दिया जाएगा और इसमें 50 GB एक्स्ट्रा भी आपको देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ये यदि आप एयरटेल के पहले से कस्टमर है और परमानेंट कस्टमर, यदि आप सिर्फ एयरटेल सिम ही यूज़ करते हैं तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, आप इसके सस्तेपन का लाभ उठा सकते हैं। बट यदि आप अनदर फ़ोन यूज़ करते हैं, अनदर सिम यूज़ करते हैं, जियो का हो गया, VI का हो गया, BSNL का हो गया, तो आपको ये वाला फ़ोन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला फ़ोन जो मैंने आपको बताया इसमें वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला, इसलिए आपको ये वाला फ़ोन लेना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कोई भी लोकेट यहाँ पे दिया नहीं गया है, यानी कि विदाउट यहाँ पे एयरटेल यहाँ पे लोकेट का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, यानी कि ये भाई सब पूरा अनलॉक है, आप इसमें कोई भी सिम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे इसकी 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल दी जा रही है। ठीक, और देख सकते हैं कि यहाँ पे 7,000 प्राइस दे रही है। वही देख सकते हैं जो एयरटेल जो लोकेट किया गया इसकी देख सकते हैं कि यहाँ पे 32 GB इंटरनल और 3 GB इसका रैम दिया गया है, लेकिन इसकी प्राइस सस्ता है। इसमें ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजन होकर ये फ़ोन हो सकता है परचेस कर लिए होंगे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि भाई साहब अभी फ्लिपकार्ट रिटर्न नहीं ले रहा है, सिर्फ रिप्लेसमेंट दे रहा है, वो भी भाई साहब आपको क्या बोलते हैं कि अब पहले जैसा नहीं कि वो डायरेक्टली ले रहा है, अब बोल रहा है कि अपने सर्विस सेंटर जाओ, वहाँ पे यदि कुछ होता है वो चेक करेंगे सर्विस सेंटर वाले, उसके बाद भाई साहब ये रिटर्न या रिप्लेसमेंट के लिए वो यदि करते हैं अलाउ तभी आपका रिटर्न होगा। सो फ्रेंड्स, आपको सावधानी के साथ ये प्रोडक्ट को परचेस करना, सस्ता ही नहीं देखना है, इसकी जो चीज़ें हैं आखिर क्या है इसमें मेंशन की, इसको भी आपको क्लियरली पहले क्लियर कर लेना है, उसके बाद ही आपको इसको फ़ोन को लेना है। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए जिससे कि आपको इसका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। सो आपको, मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल टेक्निकल लकी शॉट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। I'm not going to do that.